हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेधावी भार्गव, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ स्पेस स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी. सो टुडे आई कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ माइन, व्हिच इज बाइनरी सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन. एज इन माय प्रीवियस लेक्चर आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू हाउ टू परफॉर्म बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशन. बिकॉज इन दिस सीरीज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी बाइनरी ऑपरेशन, किस तरह से बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं. तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे बाइनरी एडिशन ऑपरेशन के बारे में डिस्कस किया था. आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरह से बाइनरी सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है. तो अगर हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो नॉर्मल डेसिमल सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन होता है, जिसमें हम किसी भी पर्टिकुलर नंबर में से किसी दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं या माइनस करते हैं, सेम वैसे ही हमें यहाँ पर भी एक नंबर में से दूसरे नंबर को माइनस करना होता है या सब्ट्रैक्ट करना होता है. लेकिन बाइनरी की अगर हम बात करें, तो वी जस्ट हैव दी टू नंबर्स विच इज 0 एंड 1. 0 और 1 के अलावा हम किसी दूसरे नंबर को नहीं ले सकते हैं यहाँ पे. सो वी हैव सम कंटेंट फॉर दी बाइनरी सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, विच इज डेफिनेशन, रूल्स एंड एग्जाम्पल. तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो यहाँ पर हम बेस 10 रूल को फॉलो करेंगे. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट यहाँ पे हमारे पास में सिर्फ दो ही नंबर हैं, 0 एंड 1. इन्हीं दो नंबर्स को हमें यूज करना है. जैसे नॉर्मल डेसिमल सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में हम जीरो और सॉरी हम नॉर्मल डेसिमल ऑपरेशन में जिस तरह से हम बोरो लेते हैं तब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, बोरो लेंगे और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे. बट वी नो दैट वी हैव जस्ट 0 एंड 1. सो लेट्स डिस्कस द रूल्स ऑफ हाउ टू परफॉर्म बाइनरी सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन. यहाँ पर हमारे पास में सिंपल रूल है. सबसे पहले अगर हम रूल को देखते हैं, तो 0 में से अगर 0 को माइनस करना है तो इट इज 0. 0 में से 1 को अगर माइनस करना है तो ये कैरी लेने के बाद 1 आएगा, और ये सॉरी ये बोरो लेने के बाद 1 आएगा. लेकिन कैसे आएगा ये हम डिस्कस करेंगे. 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो नॉर्मल डेसिमल ऑपरेशन में जिस तरह से 1 में से 0 को माइनस करते हैं तो 1 आता है, सेम वैसे ही यहाँ पर 1 आएगा. 1 में से अगर हम 1 को माइनस करेंगे या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर 0 आता है. नॉर्मल सब्ट्रैक्शन में भी उसी तरह से यहाँ पर भी 0 आएगा. तो इस तरह से हम फाइनली कुछ रूल्स को अप्लाई करने वाले हैं इन एग्जाम्पल्स में. यहाँ पर हमारे पास में सबसे पहला डिजिट है, सेट ऑफ डिजिट्स दिया हुआ है, और दूसरा सेट ऑफ डिजिट्स है. यहाँ पर हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर नंबर में से, ये सेट ऑफ डिजिट में से दूसरे सेट ऑफ डिजिट को सब्ट्रैक्ट करना है. तो 0 में से 0 को सबसे पहले हम जिस तरह से नॉर्मल डेसिमल में स्टार्ट करते हैं लेफ्ट से, वैसे ही यहाँ पर भी हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे. 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो एज वी नो रूल्स हमारे पास में है, रूल्स के अकॉर्डिंग 0 माइनस 0 0 होता है. अब 1 में से 0 को हम माइनस करने वाले हैं, तो हमारा रूल कहता है 1 में से 0 को जब भी माइनस करेंगे या किसी भी नंबर में से 0 को माइनस करेंगे तो वो नंबर एज इट इज आ जाता है. तो यहाँ पर भी वही होना है. नाउ 0 इज द स्मॉलेस्ट डिजिट ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी का सबसे छोटा नंबर है, एंड 1 इज द लार्जेस्ट नंबर. जब भी हम किसी स्मॉलेस्ट में से लार्जेस्ट को माइनस करते हैं तो हमें एक बोरो लेना पड़ता है. यहाँ पर ये इस पर्टिकुलर नेबर से अपने बोरो लेगा. जब ये बोरो लेता है तो ये हो जाता है 1 0. 1 0 बाइनरी में 2 होता है, एंड 2 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो ऑफ कोर्स इट इज 1. तो बाइनरी में इसी वजह से 1 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1. जैसे कि एडिशन में हमने 1 प्लस 1 2 किया था, 1 0 लिखा था. क्यों? क्योंकि हमें पता है 1 प्लस 1 2 होता है. बाइनरी में 1 0 को हम 2 से रिजेम्बल करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर 1 0 है तो 2 में से 1 को माइनस किया है इसीलिए 1 आया है. अब इसी तरह से अब यहाँ पर हम देखें तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि इसने बोरो दे दिया है. अब यहाँ पर ये 0 है तो ऑफ कोर्स ये अगेन हमारे पास में स्मॉलेस्ट डिजिट है, इसमें से हमें लार्जेस्ट डिजिट 1 को माइनस करना है. तो इट शुड बी टेक अ कैरी फ्रॉम बोरो फ्रॉम दी नेबर, और ये बोरो लेगा नेबर से. तो यहाँ पर हो जाता है हमारे पास में अगेन 10. 10 मीन्स 1 0, 1 0 मीन्स 2. सो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो आंसर सिर्फ 1 आने वाला है. यहाँ पर ये 0 हो गया है बिकॉज इसने बोरो दे दिया है, और 0 में से फिर हमें 0 को ही माइनस करना है. मीन्स नीचे कोई भी पर्टिकुलर स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट डिजिट नहीं है, तो
हम 0 में से 0 को माइनस करने वाले हैं, तो ये 0 हो जाएगा। 0 एंड 0 को माइनस करेंगे 0, एंड 0 को 0 से माइनस करेंगे तो 0। खास से हमारे पास में ये पर्टिकुलर ऑपरेशन आया, और हमने पहले वीडियो में ये देखा था कि किस तरह से हम अपने आंसर को टेस्ट भी कर सकते हैं। टेस्ट करने का सिंपल सा मेथड है, सबसे पहले आपको एक सेट ऑफ डिजिट को बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक उसी तरह से आपको सेकेंड सेट ऑफ डिजिट को भी बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे कि आंसर क्या आ रहा है, 14। और इस पर्टिकुलर आंसर को, जो हमारा आंसर आया है बाइनरी का, उसको भी हम बाइनरी में कन्वर्ट करके देखेंगे तो हमारा आंसर वही आएगा। तो इस तरह से हम टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमने जो परफॉर्म किया है बाइनरी ऑपरेशन को सही किया है या नहीं किया है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, जिससे आपको और क्लियर होगा। यहाँ पर हमारे पास से एक सेट ऑफ डिजिट है 11000, और दूसरा सेट ऑफ डिजिट है 111। हम हमें सबसे पहले लेफ्ट से ही शुरू करना है। लेफ्ट में अगर हम देखें तो टॉप पे हमारे पास में जो नंबर है वो है स्मॉलेस्ट 0, और नीचे हमारे पास नंबर है 1। अब अगर हम इसके नेबर के पास जाते हैं तो नेबर के पास ऑलरेडी स्मॉलेस्ट डिजिट है, तो ये बोरो नहीं दे पाएगा। फिर इसके पास आते हैं, इसके पास भी स्मॉलेस्ट डिजिट है तो ये बोरो नहीं दे पाएगा। अब इसके नेबर के पास आते हैं तो इसके पास लार्जेस्ट डिजिट है, ये बोरो दे सकता है, तो इसने अपना बोरो दे दिया और ये खुद हो गया है 0, इसने इसको दिया तो ये हो गया 10, क्योंकि हमें पता है कि ये 10 हो जाता है। अगेन इससे हमने लिया है तो ये 1 इसने दे दिया है यहाँ पर। अब ये यहाँ पर बचा है और इसने फाइनली अपना ये 1 इसको दे दिया, क्योंकि हमें किसको देना है, इसको देना है। जैसे ही इसके पास 10 आया तो ये हो गया 2। 10 इज 2 इन बाइनरी, सो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाए। उसने बोरो दे दिया है तो ये ऑलरेडी 1 हो चुका है, क्योंकि हमने 2 में से 1 को माइनस किया है, ये अपना बोरो दे चुका है, तो इसका ये हो गया है 1। अब 1 में से इसको 1 को माइनस करना है, तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आता है। अगेन हम देखें यहाँ पर, तो ये बोरो दे चुका है अपना ऑलरेडी, तो ये 1 हो चुका है, क्योंकि 10 में से 1 को माइनस करते हैं तो 1 आता है। यहाँ से 1 में से 1 को माइनस किया तो दैट इज 0, ये ऑलरेडी 0 है, क्योंकि ये अपना 1 जो है वो एज अ बोरो दे चुका है, तो यहाँ पर 0 बचता है, सो आंसर इज 0। और ये इसमें से हमें किसी भी नंबर को सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, तो ये 1 ही बचा है। तो सेम उसी मेथड के थ्रू आप अपने पर्टिकुलर आंसर को चेक कर सकते हैं। सारे नंबर्स को, सारे सेट ऑफ डिजिट्स को आपको सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद में आंसर को भी डेसिमल में कन्वर्ट करके आप सब्ट्रैक्ट करके देखिए कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। जो बाइनरी से डेसिमल में सब्ट्रैक्शन की मेथड है, वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप अच्छे से देख सकते हैं। तो फाइनली इस तरह से एक सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे ऑपरेशन के साथ में, दूसरे बाइनरी ऑपरेशन के बारे में फिर से डिस्कस करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।